हर महीने आने वाली मासिक शिवरात्रि इस बार बुधवार के दिन पड़ने जा रही है। बुधवार का दिन गणेश जी महाराज बल बुद्धि विद्या को समर्पित है, जो कि शिव पुत्र हैं और जीवन में सब कामना सिद्धि में सहायक है। और महादेव को समर्पित मासिक शिवरात्रि अपने आप में अद्भुत है। गुरु जी प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए सरलतम उपाय इस वीडियो में आपको जानने समझने को मिलेंगे। यह उपाय आपकी प्रतियोगी परीक्षा, सुख सौभाग्य, पुत्र प्राप्ति, स्वयं का मकान या कोई जो है आप कोई भारी अड़चन में फंस गए हैं, रोग है, कोई जो है विपरीत परिस्थितियां हैं, भाग्योदय नहीं होता है, तो आप सभी को इन उपाय को करना चाहिए इस मासिक शिवरात्रि में। हालांकि मासिक शिवरात्रि का व्रत बहुत सारे लोग नहीं करते हैं, तो आप सभी बिना व्रत के भी इन उपायों को कर सकते हैं। पूरे दिन भर में सुबह से लेकर रात्रि तक जब भी समय मिले इन उपायों को कर लीजिएगा। कैसे करना है ध्यान से सुनिए। मासिक शिवरात्रि प्रदोष के भाव से ही कही गई है गुरु जी द्वारा, तो आप सभी को आवश्यक रूप से इस बुधवार के दिन मासिक शिवरात्रि के दिन इन सरलतम उपायों को करना आरंभ करना है। सबसे पहले आप सभी शिव भक्त हैं तो महादेव के मंदिर में तो जरूर से जाते ही होंगे, तो आवश्यक रूप से सदा सर्वदा मैं हमेशा आपको जल के लोटे का उपाय बताना चाहूंगी। इसी से जो है हमारे दिन की शुरुआत होती है। गुरु जी भी कहते हैं एक लोटा जल सब समस्याओं का हल, तो आप सभी को लेना है घर से एक लोटा जल मटके से, और तांबे के लोटे का चुनाव करते हैं या कांसे का अतिश्रेष्ठ है। उसमें आप सभी को मात्र एक समीपत्र डाल देनी है और 5 बेलपत्र डालनी है और 7 अक्षत के दाने डालने हैं। यह उपाय सिर्फ मासिक शिवरात्रि के दिन ही किया जाता है। 7 अक्षत जो है वह अखंड सौभाग्य चंद्रमा की स्थिति कुंडली में मजबूत करने, दुर्भाग्य को दूर करने के लिए अखंडित यानी खंडित ना हो इस बात का ध्यान रखें। आप अक्षत ले लीजिए, अक्षत अर्थात कभी भी इनका फल खत्म नहीं होता, क्षय नहीं होता, तो वह कहलाते हैं अक्षत। 7 दाने अक्षत के ले लीजिए, 5 बेलपत्र आप महादेव पर चढ़ी हुई भी ले सकते हैं वह ले लीजिए, आप सभी जो है साथ के साथ समी पत्र भी ले सकते हैं, ठीक है। यह सभी चीज़ें आपको शिवलिंग पर समर्पित करने से पहले श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का जाप करना है। घर के मंदिर में एक दीपक लगाना है, इस बात का ध्यान रखें। यह उपाय सामान्य नहीं है, साधारण नहीं है। एक दीपक घर के मंदिर में लगाए और नंगे पैर आपको शिव मंदिर में चले जाना है। शिव मंदिर में जाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए, अपनी मनोकामना बोलते हुए, जो समस्त चीज़ें आपने लोटे में डाल रखी है ना, जल के माध्यम से शिवलिंग पर आपको समर्पित कर देनी है मासिक शिवरात्रि के दिन। जल का लोटा विशेष तिथियों में खाली नहीं चढ़ाएं। इन उपायों के साथ अपने उपाय को पूर्ण करें। सरल सा उपाय है, घर में ही आसपास यह चीजें मिल जाती हैं और किसी न किसी स्वरूप में यह भाग्योदय से जुड़ी हुई होती है। यह उपाय आप अपने सभी कार्य सिद्धि के लिए, जो भी आपकी पीड़ा है, जो भी कष्ट तकलीफ है, सभी के लिए आप कर सकते हैं, ठीक है। यह हो गया पहला उपाय जो सरलतम तरीके से आपको करना है। दूसरा उपाय दीपक का है। गुरु जी कहते हैं जब भी मासिक शिवरात्रि पड़े आप सभी को जरूर से शिव मंदिर में आंवला वृक्ष के नीचे और बेलपत्र और महादेव की शिव मंदिर की जो चौखट होती है ना, 4 दीपक कम से कम शिव मंदिर, जो शिव जी के जो प्रथम यह दिन है, श्रेष्ठ दिन यह कहा गया है जिसे मासिक शिवरात्रि के रूप में कहा जाता है, तो कम से कम 4 दीपक एक शिव मंदिर में, एक शिव मंदिर की चौखट में, एक बेलपत्र और एक आंवला वृक्ष के नीचे जो भी व्यक्ति मासिक शिवरात्रि के दिन समर्पित कर देता है, अगली तीसरी मासिक शिवरात्रि मात्र जो है 3 शिवरात्रि करने का प्रयास करें। एक या दो भी कर लेंगे तो तीसरी शिवरात्रि आते आते हर महीने आती है, आपका काम महादेव बना देंगे, ठीक है। बात हो गई 2 उपायों की, पूर्ण रूप से मैंने समझाने का प्रयत्न किया। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जरूर करें और वीडियो को लाइक कर दीजिए। कमेंट्स बॉक्स में प्रभु स्मरण ध्यान करते हुए जय श्री राधे या हर हर महादेव या जय माता दी जरूर से लिखे। मंत्रों का दान सर्वोत्तम दाम के रूप में कहा गया है। तो यह हो गया बात जो है प्रदोष के मासिक शिवरात्रि के दिन किए जाने वाले उपायों की। अब बात कर लेते हैं नौकरी प्राप्ति और रोग दोष कर्ज मिटाने के लिए, और साथ के साथ जो आपको चाहिए, जैसे कोई सामग्री आपको चाहिए ना, मुझे प्लॉट चाहिए खुद का, मेरे नौकरी चाहिए, या जो भी आपको कोई गहने चाहिए, कोई गाड़ी चाहिए, जो भी प्राप्ति कहिए, तो वह आप अपने पिता स्वरूप महादेव से ही कहेंगे। तो ऐसे में गुरु जी कहते हैं
जब मासिक शिवरात्रि पड़े तब अपने हाथ की हथेली में एक काली मिर्च, सात आपको काली तिल के दाने हैं लेने हैं, ठीक है। एक काली मिर्च, सात काली तिल के दाने लेकर हम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का जाप कर शिवलिंग पर अपनी मनोकामना कहते हुए जो भी भक्त समर्पित कर देता है एक काली मिर्च और सात काली तिल के दाने, उसे सब कुछ प्रदान करवा देते हैं महादेव से। पिता स्वरूप में अपने हक से मांगिए कि महादेव आप नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा, आप ही हमारे सर्वे सर्वा हैं, ये जो भी कामना है जो भी पीड़ा है वह आपको कहनी है महादेव से सुंदर भाव से। यह हो गया दूसरे जो है तीसरा सरल उपाय जो आपको करना है। बात कर लेते हैं चौथे सरल उपाय की, जो मासिक शिवरात्रि के दिन प्रत्येक सदस्य को अपने सरकारी नौकरी, पदोन्नति, रोग, कर्ज मिटाने के लिए, दुख दरिद्रता, विवाह तुरंत हो जाए उसके लिए यह कार्य करना चाहिए। आपको मात्र एक बेलपत्र लेनी है इस उपाय को करने के लिए। कोई भी उपाय हो बेलपत्र बिना वह संपूर्ण नहीं है। महादेव को जो सबसे अधिक प्रिय है वह जल का लोटा और बेलपत्र ही है। तो आप सभी साधारण तरीके से एक जल का लोटा ले लीजिए, साधारण सरल तरीके से ले लीजिए, और आप सभी क्या करें कि जो बेलपत्र है उसकी जोड़ में जहाँ पर तीनों पत्तियाँ मिलती हैं वहाँ पर शहद लगा लीजिए, और सबसे बड़ी वाली, सबसे जो ऊंची, सबसे जो प्रमुख जो पत्ती होती है उसमें आपको अपनी मनोकामना कहते हुए चंदन लगा देना है। चंदन लगाने के बाद जल समर्पित करें। जल समर्पित करने के बाद आप सभी क्या करें कि जो बेलपत्र आपने बीच वाली ये जोड़ में शहद लगा रखा है और सबसे ऊंची, सबसे ऊपर वाली मैं आपने जो चंदन लगा रखा है अपनी मनोकामना कहते हुए मात्र एक शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित करनी है इस मासिक शिवरात्रि के दिन। यह उपाय सरल है परंतु इनके लाभ अनगिनत हैं, जिनकी कल्पना गणना कर पाना हम तुच्छ मानवों के लिए असंभव है। यह हो गए सरल उपाय। अब बात कर लेते हैं हरे मूंग के उपाय की। बुधवार का दिन है, हरा मूंग भूला नहीं जा सकता। यह बुध ग्रह को भी रिप्रेजेंट करता है और सन धन संपदा सुख सौभाग्य को भी बढ़ाने में सहायक है। तो आप सभी को एक मुट्ठी के करीब एक कटोरी में हरा मूंग लेकर महादेव के मंदिर में चले जाना है। साथ के साथ आप सभी को एक लोटा जल भी जरूर से लेकर जाना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का जाप करते हुए आप सभी को गणेश जी महाराज का ध्यान करते हुए शिवलिंग में ही, आप जानते होंगे जो गणेश जी महाराज का स्थान है वह विराजमान है, तो सबसे पहले आपको संपूर्ण शिवलिंग में जल समर्पित करना है और थोड़ा सा जल बचाकर नंदी जी महाराज का जो उठा हुआ पैर है वहाँ पर भी आपको जल समर्पित करना है। उसके बाद जो है आप सभी को सबसे पहले थोड़ा सा हरे मूंग अपनी मनोकामना कहते हुए गणेश जी महाराज पर समर्पित करना है। उसके बाद थोड़ा सा हरा मूंग आपको नंदी महाराज के उठे हुए पैर जहाँ जल चढ़ाया है समर्पित करना है। साथ के साथ अपनी मनोकामना भी बोलनी है। उसके बाद जो थोड़ा सा शिवलिंग के ऊपर बचा हुआ आपको हरा मूंग समर्पित कर देना है। बुधवार के दिन खास तौर पर इन तीन स्थानों में, एक गणेश जी महाराज, एक नंदी जी महाराज का उठा हुआ पैर और एक शिवलिंग के स्थान पर जो भी भक्त हरा मूंग समर्पित कर देता है जल चढ़ाने के बाद उसकी बल, बुद्धि, विद्या में बढ़ोतरी होती है, रोग, कर्ज, दोष इत्यादि भी मिट जाते हैं और महादेव और गणेश जी महाराज सदा सर्वदा उसके घर परिवार में भंडार भर देते हैं। उपयोग में जो उपाय बताए गए हैं उनमें से कोई चीज़ समझ में ना आए तो पूछ लीजिएगा, और साथ ही मुझसे जो भूल चूक हुई हो उसके लिए मुझे ज़रूर से बताइएगा। कुछ स्वास्थ्य संबंधी परेशानी है जिस कारण से थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।